सो ये वॉट्स गोइंग ऑन गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एलएफ ट्री ऑफ माइट गोकू का शोकेस। तो फिलहाल ये मेरे पास 2 स्टार पे है, अब मेरे पास जी पावर्स नहीं है, तो मेरे पास बाद में जी पावर होगी तो मैं डेफिनेटली इसको 3 स्टार कर दूंगा। मैंने इसको करा था समन बेसिकली लास्ट जो इस बैनर पे समन किया ट्री ऑफ माइट वाले में, तो मुझे ही मिल गया था। बाकी गामास मेरे पास 7 स्टार है और इनका भाई आप देख सकते हो इक्विपमेंट काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट स्लॉट पर डिफेंसिव एबिलिटी काफ़ी अच्छी, सेकंड स्लॉट पर स्ट्राइक 40 अराउंड है स्ट्राइक ब्लास्ट और इनफ्यूल डैमेज। दैन थर्ड स्लॉट पे आपको 10 की रिकवरी मिलती है, फिलहाल मेरे को 5 ही मिली है बट ठीक है। उसके बाद की के अलावा इसको रेंडमली ड्रॉ करता है 1 कार्ड थर्ड स्लॉट पे जब आपके पास 3 और 4 हो, सो ठीक है ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। सो अब करते हैं बस एलएफ स्पिरिट बॉम्ब गोकू की। तो यहाँ पे हम लोग शोकेस देखेंगे, साथ में मैं साइड बाय साइड इसकी किट भी आपको बता देता हूँ। सो ब्लास्ट अटैक अच्छा है इसका, ब्लास्ट अटैक नॉर्मल है और स्ट्राइक पे इसको ब्लू कार्ड मिलता है। बाकी ब्लू कार्ड देखते हैं इसका, इसको यूनिक कॉज बढ़ती है जैसे आप ब्लू कार्ड इसका लाइक यूज़ करते हो। 3 बार ये ब्लू कार्ड ड्रॉ करता है और ब्लू कार्ड पे आपको आर्मर भी देखने को मिलता है। ग्रीन कार्ड इसका एओई टाइप का है जिसमें आप 2-3 कार्ड्स आपको मिलते हैं और आप कॉम्बो बना सकते हो। अल्टीमेट कार्ड इसको 2 बार मिलता है, एक बार जब अल्टीमेट करोगे उसके बाद अगर आपका एक बैटल मेंबर डिफीटेड है उसके बाद आपको एक और अल्टीमेट कार्ड इसका मिलता है देखने को। सो दैट्स प्रीटी गुड। सो बाकी अच्छा है, बाकी देखते हैं इसकी मेन एबिलिटी। ये येलो कलर का एलिमेंट है इसका और मेन एबिलिटी निकालता है अल्टीमेट कार्ड, रिस्टोर करता है 30 की 60 टाइम अकाउंट तक एबनॉर्मल कंडीशंस को वो करता है ये नलीफाई वगैरह। सो अच्छा है, जीएलरी 22% करता है नॉर्मल, 3 स्टार पे 26% सागा फ्रॉम मूवीज और टैक्स एंड फैमिली वगैरह को देता है। नाइस यूनिक एबिलिटी राइट एस एन 130% डैमेज इंफ्लिक्ट करता है, 70% की रिकवरी, -10 करता है स्पेशल मूव आर्ट्स वगैरह की अपनी, कार्ड्रो स्पीड इंक्रीज करता है बाय 1 अच्छा है, रिस्टोर करता है की बाय 25, 90% डैमेज इंफ्लिक्ट करता है जो कि कैंसिल नहीं हो सकता, एक्टिवेट वंस नलीफाई करता है अपने एलिमेंट फैक्टर को 5 टाइम अकाउंट ले ठीक है। द फॉलोइंग इफेक्ट अकर व्हेन दिस कैरेक्टर यूज इन एन आर्ट, अगर एनिमी के हेल्थ की 50% या अबव अपनी कार्ड ड्रॉ स्पीड करता है लेवल 3 से बढ़ाता है और स्पेशल कवर चेंज वगैरह ये नलीफाई करता है 10 टाइम अकाउंट के लिए, नो स्विचिंग वगैरह भी करता है आई थिंक, जब भी ये बैटल में आता है ट्वाइस करता है ये एनिमी की नो स्विचिंग करता है एनिमी को आई थिंक। नाइस रिड्यूस करता है एनिमी की बाय 100, सील करता है राइजिंग रश वगैरह कुछ आई थिंक 10 टाइम अकाउंट और समथिंग कुछ करता है। नाइस बाकी इसके पास ये अपना कवर चेंज है, इसके बाद ब्लास्ट कार्ड पे ठीक है रिस्टोर करता है अपनी हेल्थ बाय 30% और साथ में अप्लाई फॉर इफेक्ट टू सेल्फ एवरी टाइम एन एलाई इज हिट विद एन एनिमीज आर्ट, जब भी जितना इसके एनिमीज वगैरह को एलाइज वगैरह को ओके यहाँ पे विन मिलते हुए नाइस। सो जब तक एनिमी इसके एलाइज को हमारे जो एलाइज होंगे उनको लाइक अटैक वगैरह पड़ेगा तो इसको बफ मिलेगा उसका, दैट्स प्रीटी गुड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ काउंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ओन हेल्थ रिमेनिंग इज 50 और बिलो तो ये रिस्टोर करेगा हेल्थ 30%, एक्टिवेट होता है 3 बार, ओन एंड कैंसल ओन एट्रीब्यूट डाउनग्रेड एंड नॉर्मल कंडीशन एक्टिवेट 3 टाइम। नाइस सो ठीक है, ओवरऑल किट काफ़ी अच्छी है इसकी, येलो एलिमेंट का है, फिलहाल 2 स्टार पे है ये मेरे पास। एक्चुअली मेरे पास जी पावर्स नहीं थे या अभी जो आया है गोटैंक्स वाला बैनर वहाँ से हमें इवेंट आएगा कोई जिसमें हमें बेसिकली मेडल कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वहाँ से 1000 CC मिलेंगे और LFZ पावर मिलेगी 100 आई थिंक, तो वो 100 LFZ पावर मैं लगा दूंगा इस गोकू पे ताकि मैं इसे 3 स्टार कर सकूँ। मेरे पास अभी एक्चुअली में जी पावर नहीं है कोई भी, या कलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे जो बेसिकली वीकेंड वाला आता है, जो वीकेंड के कॉइन्स मिलते हैं वो 3-3 करके वहाँ से आप लोग लाइक हर 1 या 2 हफ्तों में एक्सचेंज कर सकते हो, वो 12 कॉइन्स के एक्सचेंज में कर सकते हो ना वो LF वाला, तो उससे भी मैं ले लूँगा बाद में जैसी टाइम मिलेगा। भाई 2 स्टार में भी बहुत अच्छा यूनिट है ये, एक्चुअली मैंने इस बैनर पे समन किया था क्योंकि मेरे को GT किड को कुछ चाहिए था स्पिरिट बॉम्ब वाला, आई थॉट कि चल यार कर ही देते हैं यार कौन सा भी सेव करके भाई गारंटी कौन सा है कि भाई जो लेजेंड फेस्ट के कैरेक्टर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एंड बिसाइड्स गाइज यू गाइज नो मैं बेसिकली कंटेंट के लिए ऑब्वियसली कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं काफ़ी सारे ताकि वीडियोस ला पाऊँ, और मेरे पास काफ़ी टाइम से कोई नया कैरेक्टर नहीं था, मतलब ऑब्वियसली एनिवर्सरी 6th एनिवर्सरी का टाइम मेरे को मिले थे कैरेक्टर्स, लेकिन बीच के जो बैनर आए थे उनमें थोड़ा बहुत शार्पटी हुआ था, तो आई थॉट कि चल काफ़ी टाइम हो गया है कोई नया कैरेक्टर का शोकेस नहीं हुआ है, सो या प्रीटी गुड थिंग। तो या ये सागा फ्रॉम मूवीज़ की टीम है बेसिकली, और इस गोकू को डेथ बफ देता है ये बंदा, ये जो है आपका ये इस बंदे का नाम भूल गया मैं, डॉक्टर होता है ये कुछ ये जो सेल मैक्स बेसिकली रिलीज कर देता है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी में।
सो बेसिकली इस गोकू को एलाई का डेथ बॉम्ब मिलता है अनलेस लाइक अगर आपको कोई बैटल मेंबर डिफीटेड है तो इस बंदे को दो अल्टीमेट मिलते हैं इस वाले गोकू को बेसिकली। सो आई थॉट कि चल ठीक है ये वाला सेटअप ठीक है। बाकी गामास की बात करूँ भाई 7 स्टार पे मेरे पास ये, अगर फ्यूचर में इनको जेनकाई मिलता है तो मैं आराम से जेनकाई भी कर पाऊँगा। बाकी भाई इक्विपमेंट से बहुत ही अच्छे हैं ये, बिना इक्विपमेंट के भी अच्छे ही थे ये अभी तक, आई थिंक 5th एनिवर्सरी में आए थे ये लोग। दैट्स प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स हैं ये, मतलब वन ऑफ द फन यूनिट्स टू यूज़ ऑनेस्टली। और एलिमेंट भी काफ़ी अच्छा है इनका येलो, और अभी बहुत सारे लोग भाई जो UG4 लेके घूम रहे हैं सो भाई उनको काउंटर करने के लिए भी अच्छा है ये गोकू और ये गामास, दैट्स प्रीटी गुड। और इस बंदे को भाई जब भी ये बैटल फील्ड में आता है इसको कार्ड्रॉ स्पीड मिलती है, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। भले एक थोड़े टाइमर काउंट के लिए मिलती है लेकिन वो रीसेट भी हो जाती है। तो बाकी इसका अल्टीमेट डैमेज भाई बहुत मासिव इम्पैक्ट देता है डैमेज, जो कि भाई बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखना भाई इस कीड़े को भाई क्या डैमेज देगा ये भाई चिकन कीड़ा जो भी है ये देख लो भाई टैंकी कैरेक्टर को भी क्या अच्छा डैमेज दिया है नाइस। और यहाँ ग्रीन कार्ड इसका लगा नहीं, मैं एक्चुअली बहुत क्लोज रेंज में था, थोड़ा सा संभल के रखना चाहिए था। ओके एंड गाइस बात करता हूँ अब लेजेंड फेस्ट के बारे में कि लेजेंड फेस्ट में क्या आ सकता है। देखो लेजेंड फेस्ट में देखो अभी क्या है कि ड्रैगन बॉल डायमा चल रहा है अभी फिलहाल, वीकली ड्रैगन बॉल डायमा पे देखने को मिलेगा। सो ऐसा पॉसिबल है कि टोशी ने कहा था कि ड्रैगन बॉल डायमा से और भी यूनिट्स आएंगे, जैसे उसने कहा था लास्ट इवनेस स्टफ में गो टैंक्स और LFSJ3 गो टैंक्स और माजिन बू हरक्यूलेसिस्ट आ गया है। सो ठीक है, और मेरे थॉट्स उन पे ठीक यूनिट है ओवरऑल, वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली लेजेंड फेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छे क्रिएटर कैरेक्टर्स जो हैं वो बचा कर रखेंगे फेस्ट के लिए। तो ठीक है फिलहाल के लिए इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि वो वाले कैरेक्टर्स आ गए। तो बाकी डायमा के लिए टोशी ने कहा था कि वो और भी कैरेक्टर लाएगा उस वाले रिविजन स्टफ में कहा था उसने, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मे बी मिनी पिकोलो मिनी वेजिटा और भी कैरेक्टर हमें शायद देखने को मिले, शायद पॉसिबल है, या फिर लेजेंड फेस्ट में नहीं तो उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे। बाकी लेजेंड फेस्ट में डायमा से रिलेटेड आ सकता है या फिर आपका सुपर हीरो से रिलेटेड आ सकता है। गामास को भाई इक्विपमेंट मिल गया है, उसके अलावा थोड़ा बहुत मूवीज़ के बफ भी, उससे पहले भी मूवीज़ का कैंपेन चल ही रहा था बट उन्होंने जी वाला लगाया था सुपर में भाई, आपका ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी में से आपका हो सकता है ऑरेंज पिकलो बीस गोहन का टैग आ जाए या फिर कुछ भी भाई ऐसा। सो दैट्स अ जीजी विक्ट्री, चलते हैं नेक्स्ट मैच में। सो या ऐसा हो सकता है मूवी से रिलेटेड मुझे लगता है, या फिर डायमा अगेन मूवी तो नहीं है बट न्यू सीरीज़ है, वैसा पॉसिबल है। मूवीज हो गया, डायमा हो गया, और आपका फ्यूचर हो सकता है भाई, मेरी मेन टीम में फ्यूचर, यू कैन सी मेरे लेआउट्स में भी भाई फ्यूचर के कैरेक्टर्स है, ट्रंक्स हो गया, फ्यूचर गोहान हो गया, मेरी डीपी में भाई फ्यूचर ट्रंक्स है ऑब्वियसली। अगर कोई नया सब्सक्राइबर देख रहा है मैं उन्हें बताता हूँ, आई एम अ फ्यूचर मेन बेसिकली, फ्यूचर का बेसिकली आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर ट्रंक्स मेनली। सो या इसकी वजह से भाई फ्यूचर ही मैंने अपनी मेन टीम बनाई थी मोस्टली, मेरे को कैरेक्टर्स स्टार्टिंग में जब मैं समन करता था किसी भी बैनर पे मोस्टली फ्यूचर के ही यूनिट मिलते रहते थे मेरे को, दैट्स ऑल्सो अ थिंग। सो आई थॉट कि चल भाई मोस्टली कैरेक्टर्स जिन पे मेरे सबसे ज़्यादा स्टार है फ्यूचर के टैग के कैरेक्टर हैं, सो आई थॉट कि ठीक है ऐसे मेन पार्टी ही बना लेता हूँ अपनी, आई बिसाइड आई एक्चुअली लाइक फ्यूचर। सो या उस वजह से फिर मेन पार्टी बना ली थी मैंने वो। अब मैं मेरी मेन टीम को 1.5 साल से 1.5 ईयर से बफ नहीं दिया है इन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया भाई। लास्ट टाइम जब फ्यूचर को कोई बफ मिला था वो था बेसिकली आपका आई थिंक अल्ट्रा वेजिटो ब्लू 5th एनिवर्सरी में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आपका रिसेंटली जमाजू को भी जानकारी मिला था शायद 6th एनी में आई थिंक LF जमाजू को आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उसको खाली उन्होंने जानकारी दिया था, उसके अलावा कुछ और बफ नहीं दिया या फिर कुछ एक दो कैरेक्टर को शायद प्लैटर इक्विपमेंट दिया मेरे ख्याल से, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं दिया इन्होंने, कोई नया यूनिट नहीं आया राइट। तो अभी देखते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर का बेसिकली करप्टेड जमाजू बेसिकली एक तरह से उसका लाइक जमाजू और रोज़ का फ्यूजन बेसिकली, फ्यूजन मैकेनिक वाला जो आप 6th एनिवर्सरी के फ्यूजिंग बॉयज वेजिटो गुजरा में देख सकते हो, जो अलग अलग यूनिट है गोकू वेजिटा के उनको आप बटन में टैप करते हो तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, वैसे कुछ मैकेनिक का शायद ये लोग जमाजू के लिए सेव कर रहे हैं। बाकी और कोई यूनिट होगी मे बी वेजिटा और ट्रंक्स की नई LF या फिर गोकू और वेजिटा का नया LF फ्यूचर से, या फिर ट्रायो भी हो सकता है, गोकू वेजिटा ट्रंक्स का ट्रायो
एज अ ट्रिपल टैग यूनिट, ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ भी वह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये लोग नया मैकेनिक। हर बार एनिवर्सरी में लेजेंड फेस्टिवल में ये लोग नए कैरेक्टर लाते हैं, जब भी तो कोई नया कैरेक्टर नए मैकेनिक के साथ लाते हैं ये लोग, नया कॉन्सेप्ट नया मैकेनिक लाते हैं, कई बार गेम में इंट्रोड्यूस करते हैं ये लोग। और होपफुली आई होप कि इस बार लेजेंड फेस्ट में ये लोग एक तरह से नया समन एनिमेशन भी इंट्रोड्यूस करें, दैट वुड प्रीटी गुड गाइस, वुड बी प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर नया ये लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं, लाइक समन एनिमेशन नया लेते हैं, लाइक कोई अच्छा समन एनिमेशन नया जिसमें भाई गारंटीड हमें कोई अल्ट्रा या फिर कोई एलएफ मिल जाए अगर वो समन एनिमेशन आ गया, या फिर मे भी कोई नया कैरेक्टर डाल दें, लाइक कोबुलर हो गया या फिर कुछ और हो गया, बोजैक हो गया ब्रॉली के अलावा। लाइक फ़िलहाल मेरे पास लाइक ब्रॉली ही आता है, डीबीएस वाला ब्रॉली, और गोल्डन फ्रीजा आता है समन एनिमेशन में, वीस आता है, वेजिटा आता है, ट्रंक्स आता है, बारडॉक आता है, ये कैरेक्टर्स आते हैं फिलहाल समन एनिमेशन में। इनको कुछ और भी एनिमेशन डालने चाहिए आई थिंक समन में, जहाँ पर हमें और भी कैरेक्टर्स देखने को मिले, सो दैट वुड बी प्रीटी गुड आई गेस। सो यहाँ पर भाई एक अल्टीमेट इसका लगा रहे हैं हम लोग, लुक एट द एनिमेशन गाइस, कायोकेन, इट्स प्रीटी गुड। लाइक मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ शर्टलेस गोकू, बेसिकली मुझे शर्टलेस गोकू काफ़ी बढ़िया लगते हैं, भले ही वो डीबीएस के हो डीबीसी के हों, इट्स प्रीटी गुड यार शर्टलेस गोकू, भाई अलग ही भाई रिज निकलता है गोकू का। सो जी जी भाई बस बंदे ने फोरफिट मार दिया था, सो दिस गोकू इज़ प्रीटी गुड गाइस। मिरर मैच पैन यूज़ कर रही है, मैंने भी पैन यूज़ करी है, बेसिकली जेन का ही बफ दिया है मैंने, और साथ में भाई पैन को मैंने बेसिकली सपोर्ट में डाला हुआ है अपने यूनिट्स पे, बेंच यूनिट्स में, सो दैट्स प्रीटी गुड। तो यार ये पैन मेरी 14 स्टार की है, मैंने जेन का बफ में रखा हुआ है इसको, ताकि मूवीज़ को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये, और मैक्स हेल्थ बेस 20% टू बेस मैक्स हेल्थ प्रोवाइड करती है ये बेसिकली अपोनेंट को कह रहा हूँ, अपने जो एलाइज होते हैं उनको, सो दैट्स प्रीटी गुड। बाकी अभी फिर मैंने एक्चुअली मैं गाइस गो टैंक्स का जो बैनर है वहाँ पे भी समन किया था, लाइक दो स्टेप करे थे मैंने, जो स्टार्टिंग का 300 सीसी और 500 सीसी का स्टेप रहता है ना, सो मैंने खाली दो स्टेप करे थे गो टैंक्स के बैनर में, आई थॉट कि चल 500 300 800 हो गए, 800 सीसी लगाए थे मैंने खाली, और मेरे को फर्स्ट स्टेप पे एलएफ पाइकॉन मिल गया पहले ही स्टेप पे 300 मल्टी वाले में, और मेरे पास वो यूनिट थी नहीं, लेजेंड्स लिमिटेड पाइकॉन बेसिकली जो रिवाइव होता है सुपर गोजीटा में ग्रीन एलिमेंट वाला, तो मेरे पास वो था नहीं यूनिट, तो वो यूनिट मेरे को मिल गया, उसका शोकेस कर देंगे। बाकी मैंने लाइक जैसे मैंने कहा था मैंने ट्री ऑफ माइंड गोकू पे लास्ट समन्स करे थे, उसके बाद मेरे 1000 सीसी का और बचा था, तो मेरी लास्ट वीडियो थी जो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, मैंने उसमें मेंशन किया था टाइटल में लास्ट समन्स ऑन एलएफ ट्री ऑफ माइंड गोकू, जाके देख लेना, उसके बाद भी मैंने 1000 सीसी और करे थे, उसमें लास्ट मेरा बेसिकली फ्री स्टेप और कुछ रह रखा था उसमें, आई थिंक कुछ 1000 सीसी का कुछ था रह रखा था स्टेप आई थिंक मेरे ख्याल से, तो मैंने वो भी करा, उसमें मेरे को एक्चुअली में जो सुपर सैयन 3 गोकू ज़ेनकाई वाला आपका ड्रैगन फिस्ट गोकू वाला, वो मेरे पे 6 स्टार का पड़ा था, वो मेरे को मिल गया, तो वो मेरा ज़ेनकाई हो गया, सो दैट वाज प्रीटी गुड। बाकी फिर गोटैंक्स के बैनर पे किया तो मेरे को एलएफ पाइकॉन मिल गया, उसका मैं अगली पार्टी में शोकेस कर दूंगा, लाइक ट्री ऑफ माइंड गोकू एंड देन पाइकॉन एंड देन एट द सेम टाइम थर्ड वाला जो कैरेक्टर होगा वो होगा SSJ3 ज़ेनकाई ड्रैगन फिस्ट वाला, वो मेरा फाइनली ज़ेनकाई हो चुका है, सो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो समन वाला है समन की वीडियो साथ में शोकेस एक ही साथ ले आऊँगा मैं, सो या वो भी सागर फ्रॉम मूवीज़ की टीम ही होगी, सो उनको भी मैं शोकेस कर दूंगा नेक्स्ट टीम में। बाकी मैं लाइव आऊँगा अगर मेरे को टाइम लगता है तो, मैं आज लाइव आऊँगा शाम के टाइम, दिन के टाइम में शाम के टाइम मुझे जब भी टाइम लगता है, तो मैं आज लेजेंड्स का लाइव करेंगे हम लोग, इस गोकू को मैं बेसिकली लाइव कर दूंगा। बाकी मैंने कल ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट की स्ट्रीम करी थी, उसमें मैंने कल शेनरॉन को समन किया था, बेसिकली हम लोगों ने एक्सप्लोर किए थे गेम को जब मैंने एंड कर दिया था कैकरॉट का, तो कल भाई मैंने लाइव स्पार्किंग जीरो तो नहीं किया क्योंकि एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना, सो आई थॉट कि चल कल कैकरॉट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी स्पार्किंग जीरो के कंट्रोल्स थोड़ा मास्टर करने में टाइम लगेगा, तो कल हमने भाई कैकरॉट की स्ट्रीम करी, आप लोग जाके देख लेना, मैंने शेनरॉन को समन किया है, आप लोग देख लें जो भी कैकरॉट खेलता है या फिर अभी ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करेगा उसमें देख लेना भाई कैसे कैसे मैंने ड्रैगन बॉल कलेक्ट करे, उसमें क्या क्या विशेज हमें देखने को मिलती हैं, और मैंने कैसे कैसे भाई कौन कौन से विश मांगी शेनरॉन से, उसकी मैं अलग से भी कट सीन वगैरह अलग से भी लाइव स्ट्रीम में से ही मैं वीडियो निकाल कर उसको मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा गाइस, तो वो भी आप लोग देख लेना, उसमें भी कोशिश करूंगा मैं, उसमें भी वॉइस ओवर कर दूंगा अपना और बता दूंगा। बाकी उसमें DLC वगैरह अभी नहीं खेली, अगर आज टाइम मिलता है
तो देखते हैं लेजेंड्स की स्ट्रीम करें या कैकरॉट की करें, देखते हैं। अगर कैकरॉट की करूँगा तो मैं डेफिनेटली DLC खेलूँगा, जो फ्यूचर ट्रंक्स की DLC है, और बाकी बारो की मूवी की DLC है, उसमें GT गोकू की DLC है, उसमें ड्रैगन बॉल सुपर BRS वाली DLC है उसमें, और एक दो और DLC है उसमें, मेरे को एक और नाम याद नहीं आ रहा, 6-7 DLC है उसमें आई थिंक, तो हम लोग वो सब भी कर लेंगे। बाकी गाइस गो टैंक्स के बारे में मैंने खाली 2 स्टेप करे हैं, तो आई थिंक मैं और नहीं करूँगा, 200 वाला 500 वाला स्टेप, लाइक टोटल 800 CC के स्टेप किए हैं। बाकी मेरे को स्टार्टिंग से फिर से ग्राइंड करने पड़ेंगे CC वगैरह, सो अब मैं सीधा ग्राइंड ही करूँगा, आई थिंक इनफ हो गए हैं समन्स, सो या। बाकी फिर और भी कैरेक्टर्स जिनका मैंने शोकेस नहीं किया उनका ले आएंगे, और कैकरॉट की स्ट्रीम करेंगे, स्पार्किंग जीरो करेंगे, और लेजेंड्स भी करेंगे ऑब्वियसली, सो या। बाकी गाइज नरूटो अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म का भी मेरे को करना था गेम प्ले, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसका भी मैं गेम प्ले डालूंगा, सो या। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या डैमेज दिया भाई गार्लिक जूनियर को, ऑब्वियसली एडवांटेज में थे हम, बट स्टिल इम्प्रेसिव, सो दैट्स गुड। सो लेट्स सी, वेट करते हैं, एक और अल्टीमेट है, लैंड कर पाते हैं क्या दोनों, लेट्स सी। सो या नरूटो अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म का लाएंगे, और एक फ्रेंड है मेरा, उसने वो भी एनिमे का फ़ैन है, उसने मुझे सजेस्ट किया था ब्लीच का गेम खेलना, PC वाला ब्लीच का कोई गेम आया है, मेरे को मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो करेंगे। और वन पीस का भी एक वन पीस बाउंटी रश करके मेरे ख्याल से, सो देखते हैं, पहले देखूंगा मैं, अगर वो वर्थ इट होगा तो डेफिनेटली उसका भी करेंगे हम लोग, सो या। बाकी गाइस अदर देन दैट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सो दैट वी कैन गेट टू द टारगेट ऑफ 2K। अगर नए आए हो चैनल पे तो काइंडली भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नया नया इंडिया से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कोई भी, अगर नया नया ड्रैगन बॉल लेजेंड्स खेलना स्टार्ट किया तो मैं लेजेंड्स पे वीडियोस बनाता हूँ, लेजेंड्स पे स्पार्किंग जीरो, कैकरॉट, और आपका दोकान बैटल पे मैंने एक तो लाइव किए थे, एक किया था शायद, तो दोकान बैटल भी है मेरे पास, अगर कोई खेलता है दोकान बैटल की भी वीडियो कर देंगे हम लोग, कैकरॉट की कर देंगे, स्पार्किंग जीरो कर देंगे, उसके अलावा लेजेंड्स ऑब्वियसली, और बाकी और कोई एनिमे का वन पीस बीच या किसी और का भी गेम अगर करना होगा तो हम लोग वो भी कर देंगे, सो या फील फ्री टू सब्सक्राइब, सो या डेफिनेटली फील फ्री टू सब्सक्राइब, ताकि भाई हम लोग रोड टू 2K के टारगेट पे पहुंच सके और भी ऑडियंस आ सके हमारे पास, सो जी लेट्स गो टू दी लास्ट मैच, ऑलराइट लेट्स गो गाइस। बाकी गाइज लेजेंड फेस्टिवल की प्रेडिक्शन वीडियो भी मैं ले आऊँगा Part 1, 2, 3 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, अभी कुछ श्योरिटी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई क्या आ सकता है, बट रिगार्डिंग द हेंड्स और प्रीवियस कैंपेन्स और जो अभी हमें करेंटली जो यूनिट्स मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा भाई प्रेडिक्शन की, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई फेस कैम वीडियो नहीं बनाई है, तो आई विल सी अगर मे बी प्रेडिक्शन वीडियो में हो सकता है मैं फेस कैम कर दूँ, बट अगर नहीं तो डेफिनेटली जो लेजेंड फेस्ट की मेरी समनिंग की वीडियो आएगी उसमें मैं डेफिनेटली फेस कैम करूँगा, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई फेस कैम वीडियो नहीं किया है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं फेस कैम के साथ लाइव स्ट्रीम भी करूँ, लाइव स्ट्रीम मैंने अभी करना स्टार्ट कर दिया है PC की, सो आई थॉट कि मे बी मैं लाइव स्ट्रीम नेक्स्ट टाइम PC की लाइव स्ट्रीम या फिर स्पार्किंग जीरो की लाइव स्ट्रीम मैं फेस कैम के साथ करूँ, सो इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली डू इट, अदरवाइज फेस्ट में तो डेफिनेटली फेस कैम वाली वीडियो आएगी ही समन वाली, राइट। बाकी कैरेक्टर वगैरह की जो भी होगी आगे मैं बता दूंगा, सो या। सो लेट्स सी, इसको टैंक करने देते हैं इस वाले ग्रीन कैरेक्टर को, ओके वेट, ये बंदा भाई ट्रांसफॉर्म होता है, गोजिटा आ गया, गोजिटा इज स्टिल पावरफुल, अगर कोई अभी भी इसका बैनर है अगर कोई कंसिडर कर रहा है समन करने के लिए अल्ट्रा सुपर सिंपल गोजिटा के लिए कर सकते हो, ये बंदा भाई अभी भी 1 ईयर तक एटलीस्ट 1-1.5 साल तक फॉल नहीं होने वाला, अभी भी काफ़ी अच्छा यूनिट है, सो यहाँ पे कर दिया इसने डैमेज। गाइस हो सकता है सेलमैक्स भी आ सकता है, इज पॉसिबल सुपर हीरो की मूवी में से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर जैसी ये वाला कैरेक्टर मरता है, तो ये एक तरह से लाइक लास्ट एज अ कह सकते हो डेस्परेट अटेम्प्ट, यहाँ पे कैरेक्टर बेसिकली लास्ट में अटैक करके जाता है, ऐसे पॉसिबल है हमें फ्यूचर में फुली सेलमैक्स की कंप्लीट यूनिट देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे तो भाई इस बंदे को मैं LF लगाने वाला हूँ यहाँ पर अल्टीमेट, सो यहाँ पे इसको 2 अल्टीमेट मिलते हैं, सो बट उसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि भाई एक में ही इसका LF पड़ने वाला है, अब यहाँ पे कायोकेन That's pretty good. Look at the animation. सीधा एनिमे में से डाला हुआ है, एनिमे में थी मतलब मूवी में से बेसिकली ट्री ऑफ माइट की, सो दैट्स प्रीटी गुड। सो गाइज होपफुली यू गाइज लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।